अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। ऐसा कैसे होता है कि ये स्टेबल हो जाते हैं? इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, है ना, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कोलोइडल पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे, है ना। एंड दीज पार्टिकल्स, सब पे जो कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे सब पे सेम चार्ज होगा। सेम चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पाएंगे, ठीक है। सो दे रिपेल वन अनदर एंड दे डू नॉट कम क्लोज, है ना। अगर वो क्लोज हो जाते तो क्या होता, लार्ज नॉन कोलोइडल पार्टिकल्स फॉर्म कर देते, ठीक है। तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं दे कैरी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एंड ऑल डिस्पर्स पार्टिकल इन कोलोइडल सॉल्यूशन कैरी द सेम चार्ज व्हाइल द डिस्पर्जन मीडियम हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। जो चार्ज आपके जो पार्टिकल्स हैं उनका होगा, डिस्पर्स पार्टिकल्स का होगा, वही सेम चार्ज मीडियम का भी होगा आपके, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम का भी होगा लेकिन अपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल आर्सेनियस सल्फाइड, है ना, दे आर दीज पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज व्हेन द डिस्पर्जन मीडियम जो कि वाटर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। फेरिक हाइड्रोक्साइड दे आर पॉजिटिवली चार्ज लेकिन उसका जो डिस्पर्जन मीडियम वाटर है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो चार्ज ऑन पार्टिकल्स ऑफ सम कॉमन सॉल्ट्स, कॉमन सॉल्ट्स के लिए हम पढ़ रहे हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं? मेटेलिक पार्टिकल्स जैसे कॉपर, आपका सिल्वर, है ना, फिर गोल्ड सॉल्ट्स, ये सब मेटल सल्फाइड सॉल्ट्स जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, है ना, और कैडमियम, ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, सिलिसिक एसिड सॉल्ट्स, ये सब। एसिडिक डाइज जैसे, है ना, कैंगो रेड, है ना, ईओसिन, ये सब क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे और ये नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर। ये पॉजिटिवली चार्ज, है ना, सोल्स हैं जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड लाइक फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड जैसे Al2O3.XH2O, फिर इसका, है ना, आयरन का, फिर क्रोमियम ऑक्साइड का, है ना, आपको हाइड्रेटेड ऑक्साइड, फिर ऑक्साइड लाइक टाइटेनियम डाई ऑक्साइड, फिर हीमोग्लोबिन, फिर बेसिक डाइज लाइक मेथिलिन ब्लू, पर्शियन ब्लू, ये सब के सब क्या हैं? पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रोफ्रेसिस, ठीक है। जो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसको कैसे शो किया जाता है? प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस से, विच इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, जो बताएगा कि जो इन्वॉल्व करेगा कोलोइडल पार्टिकल्स के मूवमेंट को, है ना, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रोड पर जब उसे प्लेस किया जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसकी डेफिनेशन देते हैं, मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में उसको रखेंगे तो उनका जो मूवमेंट होगा कोलोइडल पार्टिकल्स का वो, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस। एज सून एज द कोलोइडल पार्टिकल्स रीच द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड दे गेट न्यूट्रलाइज। ऑब्वियसली वो तो अपोजिट है ना, इलेक्ट्रोड पे जाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे एंड हैंस कोगुलेटेड, और कोगुलेटेड भी हो जाएंगे। दिस टेक्निक कैन बी यूज टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ चार्ज कोलोइडल, द कोलोइडल पार्टिकल कैरी। इस तरह से आपको चार्ज पता चलता है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स थे उनकी नेचर आपको इस एक्सपेरिमेंट से पता चल जाती है, ठीक है। जैसे ये है बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पर इस तरह से कंडीशन थी कोलोइडल सॉल्यूशन की, और उसके बाद आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो पूरा का पूरा सॉल्ट था वो कहाँ पर पहुँच गया? आपके कैथोड पर पहुँच गया, ठीक है। तो जो नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स थे वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो कोलोइडल पार्टिकल्स थे वो एक इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो गए। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ आया होगा कि किस तरह से जब मूवमेंट करेंगे कोलोइडल पार्टिकल्स, है ना, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जब मूव करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो
थैंक यू सो मच।